हेलो दोस्तों दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको स्क्रैप रोलिंग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको इस बिजनेस की पूरी जानकारी दूंगा, साथ में बताऊंगा कि इस बिजनेस में आपकी कितनी लागत लगने वाली है और इससे आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है। तो दोस्तों आप वीडियो में एंड तक बने रहे। दोस्तों ये लोहे के ड्रम है, जो लोहे के ड्रम आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसी को काट के जला के ये कच्चा माल तैयार किया गया है। अब इस ड्रमों की दोस्तों ये किनारी काटी जाती है, जो ये किनारी आपके सामने कट रही है, ये किनारी इन ड्रमों की काटी जाती है। इस मशीन के द्वारा ये किनारी यहाँ पे काटी जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये जो प्लेन किया हुआ ड्रम है, ये जला के प्लेन किया हुआ है। अब देखिए दोस्तों ये किनारी कट गई है। इसके दोस्तों साइज कटते हैं, साइज कट के माल तैयार होता है। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ ये इस पूरे ड्रम की किनारी कट चुकी है। अब ये साइज कटने के लिए कटर मशीन पे आया है। इसको दोस्तों शेयरिंग कटर बोलते हैं। वो जिससे किनारी कट रही थी वो गोटी कटर था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस पे साइज सेट कर रखा है और इससे साइज कट रहा है। इस तरीके से दोस्तों इससे साइज कटते हैं। वो दोस्तों जो उधर है, आपको एरो जो दिख रहा है, ये ढक्कन है दोस्तों, जो ड्रम के ढक्कन और पैंदा होता है वो है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से साइज सेट करके इसमें काटा जाता है। ये दोस्तों 11.5 का साइज कट रहा है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों साइज काट के ये माल तैयार किया जाता है। इन्हीं पत्ती को रोल किया जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों ये मोटर स्टैंपिंग के लिए रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है। मोटर स्टैंपिंग दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहे, इस तरीके की स्टैंपिंग का रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है। ये देखिए दोस्तों साइज कटा हुआ है। दोस्तों अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों जितनी भी मोटरें बनती है वो सभी इसी मटेरियल से बनती है। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे रोलिंग शुरू हो रही है। ये साइज काट के यहाँ टेबल पे रख दिया जाता है, यहाँ से फिर रोलिंग होती है। ये देखिए दोस्तों, पहली बार में दोस्तों फड़ाई मारी जाती है, उसके बाद बिलाई करते रहते हैं। उसको एक गेज में सेट करना होता है, जो गेज पार्टी मांगती है उस गेज के हिसाब से इसे सेट करना होता है, उतनी ही दाब इस पे लगाई जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये नया पीस है। अब ये इसके अंदर गया तो इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से अब ये ऊपर आ जाएगा। ये नया पीस गया, ये बिलाई होनी शुरू हो गई। अब ये ऊपर बंदे ने रख दिया, ये देखिए कैसा, ये बिल्कुल नया पीस होता चला जाता है। इस तरीके से दोस्तों ये माल तैयार होता है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं, दोस्तों इस बिजनेस को अगर आपको करना है तो दोस्तों आपकी कम से कम 30-40 लाख रुपए की लागत लगेगी। तो आप छोटी मशीनें लगाकर इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये इसकी पूरी मशीन है, ये जो गोल सर्कल आपको एरो दिख रहा है, यहां इससे दाब लगाई जाती है दोस्तों, और ये रूले होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये साइड में जो आपको दिख रहा है ये एरो, ये गियर बक्सा है दोस्तों। इस गियर बक्से से ये दोनों मशीनें कनेक्ट है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को करते हो तो दोस्तों आप बहुत फायदे में रहने वाले हो। दोस्तों इस बिजनेस में आपको जो आप कच्चा माल खरीदते हो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उस कच्चे माल को आप जब बिलाई करके आगे सेल करोगे तो दोस्तों उसमें 7 रुपए प्लस किए जाते हैं, 7-8 जितने भी आप प्लस कर सको। कम से कम जैसे आपने 40 रुपए का खरीदा कच्चा माल, तो आप उसे बिलाई करके 47 रुपए का बेचोगे और दोस्तों उसमें खर्चा 4.5-5 रुपए का आएगा, तो दोस्तों आपको आराम से 2-2.5 रुपए किलो के आसपास बच जाएगा। दोस्तों इन दो मशीनों से आप 120 से 130 टन माल तैयार कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों इसका फाइनल पीस तैयार हो रहा है। यहाँ एक बार बिलाई होगी और सीधा फाइनल पीस, देखो दोस्तों बिल्कुल नए जैसा तैयार हो गया है। इस तरीके से ही दोस्तों ये तैयार होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों उसमें आपका 4.5-5 रुपए तक खर्चा आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको मिनिमम 2-2.5 रुपए आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों दो मशीनों से आप लगभग 120 से 130 टन माल तैयार कर सकते हैं। 120 से 130 टन बोल रहा हूं दोस्तों, माल तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप बहुत अच्छा मुनाफा इससे कमा सकते हैं। ये दोस्तों इसका तैयार माल है, रेडी माल ये है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये शीट दोस्तों इससे तैयार हो जाती है। ये देखिए दोस्तों,
अब मैं आपको दूसरी शीट, ये साइड में जो आपको दिख रही है ये बिना तैयार हुई शीट है, और दोस्तों ये तैयार हुई शीट है, तो दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप इस बिजनेस को करोगे तो दोस्तों आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आप 7 रुपए प्लस करके चलोगे, जब आपको 2 से 2.5 रुपए बचेंगे दोस्तों। इसमें क्या होता है, मार्केट के ऊपर बात होती है, जब आपकी मार्केट अच्छी हो, ठीक है, जब आपकी मार्केट तेजी में हो तो दोस्तों आप 7 रुपए प्लस भी ले सकते हो, 8 रुपए भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इससे आपका मार्जिन बढ़ेगा। और दोस्तों मान लो आप मिनिमम ही लेके चलिए, आप 2 रुपए ही लेते हो और आपका 120 टन माल तैयार हो जाता है, तो दोस्तों 2.5 लाख रुपए आपको महीने के बच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए दोस्तों आपको अगर दिन में चलाते हो तो 7 लेबर और रात में चलाने के लिए 3 लेबर, क्योंकि दोस्तों जो शेयरिंग कटर और गोटी कटर है, मतलब जो कन्नी काटता है और जो साइज काटती है वो मशीनें दोस्तों, वो आपको दिन में कितना भी माल काट सकते हो। ठीक है, इतना माल भी कट जाएगा कि आप दिन रात उसे चला सको। आपको रात के लिए सिर्फ मशीन के लिए बंदे चाहिए, जो मशीन चलाने के लिए दोस्तों 3 बंदे बहुत है। दोस्तों अगर आप कुछ भी इस बिजनेस के बारे में पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। दोस्तों मैंने अभी तक आपको छोटे छोटे बिजनेस दिखाया है, मैं ये पहला बिजनेस आपको बड़ा बिजनेस दिखा रहा हूँ जिसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। तो दोस्तों ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पैसा लगा सकते हैं पर वो बिजनेस उनको समझ नहीं आता कि कौन सा बिजनेस करना है। तो दोस्तों आप ये बिजनेस करके आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। इस बिजनेस से पहले भी एक प्रोसेस है जिससे ये कच्चा माल तैयार होता है, और इस बिजनेस के बाद भी एक प्रोसेस है जिससे मोटर की स्टैंपिंग तैयार होती है, और स्टैंपिंग तैयार होने के बाद मोटर बनती है। दोस्तों एक जो ड्रम होता है और दोस्तों जो मोटर बनती है उसके बीच में दोस्तों 4 प्रोसेस होती है, मतलब अगर कोई करता है तो 4 बिजनेस शुरू होते हैं ड्रम से लेके मोटर बनाने तक, 4 स्टेप होते हैं दोस्तों। पहले में लोहे के ड्रम को काटा जाता है, काटने के बाद सीधा करके जलाया जाता है। दूसरे में दोस्तों ये आपको रोलिंग दिख रही है, ये की जाती है। तीसरे में दोस्तों आपको स्टैंपिंग की जाती है। चौथे में दोस्तों आपकी मोटरें बनती है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो में कमेंट करोगे तो दोस्तों मैं आपको 4 स्टेप दिखा सकता हूं। अगर दोस्तों आपके कमेंट अच्छे आए तो, और वीडियो पे 1000 लाइक आए तो दोस्तों मैं आपको 4 स्टेप की वीडियो दूंगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।